लाने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको अर्ज करना चाह रहा था, होली के पावन पर्व पे हम सभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं और मैं भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। कई प्रकार के लोग अभिवादन और अभिनंदन के लिए आपस में आते हैं। एक ग्रुप महिलाओं का और कुछ पुरुषों का आया और वो अधिकतर कुक कम हेल्पर के रूप में मिड डे मील योजना में स्कूलों में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं। उनकी पीड़ा बहुत वाजिब थी और वो मैं आपके मार्फत माननीय बाल विकास मंत्री महोदया के समक्ष पहुंचाना चाहता हूं। उनकी पीड़ा ये है कि वो 11 बजे से लगा के 4 बजे तक स्कूल में 25 बच्चों पे एक और 25 से 100 तक दो, बट दे आर गेटिंग ओनली 1000 रुपीज़ वाइल इन द नरेगा दे गेट मोर मनी। मिनिमम जो सैलरी होती है, मिनिमम जो वेज होती है, दैट इज़ अराउंड 150 रुपीज़ और उनका एक दिन का 33 रुपये दे आर गेटिंग। और पूरे दिन महिला स्कूल में रहती हैं क्योंकि खाना बनाना, बच्चों के फिर वापस बर्तन साफ करना, बर्तन जो रसोई वाले साफ करना, सारे जो कार्य करती है। ये पीड़ा केवल मेरे क्षेत्र की नहीं है, ये 25 से 30 लाख जो महिलाएँ और पुरुष जो कुक कम हेल्पर के रूप में थ्राउट द कंट्री इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटी जहाँ पे काम करते हैं, उन सब की ये पीड़ा है और इस पीड़ा को वास्तव में पहुँचा जाए। इनकी सैलरी में आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से और भारत सरकार से निवेदन करूँगा क्योंकि 90% इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड 75% ग्रांट्स इज गिवन फॉर दिम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अदर स्टेट्स। तो मेरा अर्ज ये गवर्नमेंट से कि इनको 1000 की बजाय कम से कम 1500 या 2000 प्रति महीना दिया जाए ताकि ये लोग कुछ अच्छा ढंग से काम करें। और अदरवाइज ये क्या करते हैं कि उस जो सामग्री है उसी में से कुछ मसाला निकालने की कोशिश करेंगे। तेल तो तिलों में से निकलता है। यदि हम इस पर धन्यवाद। इसमें मैडम मैं